जो क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना था और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों त्रिकोणमिति जो है हम लोगों ने इसके पहले की कक्षाओं में थोड़ी बहुत जाना है इसके बारे में। तो त्रिकोणमिति जो है उसके अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले, ऐसा कहा था G.F. हर्बर्ट ने। तो बच्चों अगर एक चीज़ बताइए, कुतुब मीनार जो है आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोग गए भी होंगे वहाँ पे घूमने के लिए। तो उसकी ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो क्या हम बिना नापे उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? आपके मन में ऐसा कभी प्रश्न आया है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सोचिए बच्चों। साथ ही बच्चों एक प्रश्न और सोचिए कि अगर मान लीजिए कि कोई एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है, वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास के मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है, ठीक है, ध्यान दीजिए, अपने मकान की बालकनी पर बैठी है और नदी के दूसरे किनारे पर, नदी तो बड़ी सी होगी ना, चौड़ी सी होगी, उसके दूसरे किनारे पर मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे हुए गमले को वह देख रही है, तो ऐसी स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनेगा ना, जैसा कि आपको बच्चों चित्र दिख रहा होगा ना। ये देखिए, ये मान लीजिए उसका घर है, ये लड़की बनी हुई है छोटी सी, ठीक है, और ये मंदिर है, यहाँ बीच में उसके नदी बह रही है, यहाँ पे मंदिर के निचली सीढ़ी पे जो एक गमला रखा उसको वो देख रही है। तो यदि आपको वह ऊंचाई ज्ञात हो जिस पर लड़की बैठी हुई, तो क्या आप इस नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? समझ रहे हैं आप बच्चों? तो ये देखिए, ये डॉटेड लाइन है, इससे दर्शा रहा है कि जो इनके बीच में बन रहा है ट्रायंगल वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज जो है इनके बीच में बन रहा है, तो इसकी क्या ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं? ऐसे ही एक प्रश्न है बच्चों कि मान लीजिए एक गर्म हवा वाला गुब्बारा है, हवा में उड़ रहा है, आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है और इस बात को बताने के लिए वह अपनी माँ के पास दौड़ कर जाती है। गुब्बारे को देखने के लिए इसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकल आती है। अब मान लीजिए कि जब पहले पहल लड़की गुब्बारे को देखती थी तो वो ए बिंदु पर, ये लड़की है, ठीक है, उसने देखा तो गुब्बारा यहाँ पर था, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि वो दौड़ के जाती है, अपनी मम्मी को बुला के लाती है, तो जब इसके बाद आती है तब तक बिंदु बी पर गुब्बारा जो है वो आ चुका होता है, ये उड़ रहा है ना, गर्म हवा का गुब्बारा है, तो उड़ते उड़ते यहाँ तक आ जाता है ना। तो क्या आप जमीन के उस स्थान से जहाँ माँ और बेटी दोनों खड़ी हैं बी की ऊँचाई ज्ञात कर सकते हैं? मतलब कि कितनी ऊँचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा है, यानी ये ऊँचाई, ठीक है, ये ऊंचाई जमीन से कितने ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा है, क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? तो इन सब के लिए जो है सभी स्थितियों में जो जिनकी अभी हम लोगों ने बच्चों चर्चा की है, तो दूरी अथवा ऊंचाई जो है वो ज्ञात करने की बात कही गई है। तो ये ज्ञात करने के लिए जो है वो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत जो है हम उसको लागू करके जो है और ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति को बच्चों इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसकी जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक शब्द का है, तो इसमें ट्राई का अर्थ क्या होता है, तीन, ठीक, ट्राई लिखा ना, TRI, ट्राई, ट्राई कलर बोलते हैं, यानी तीन, तीन से तात्पर्य है, ठीक है। और गॉन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, ठीक। तो वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर उल्लेखनीय कार्य किए गए और जो उल्लेखनीय कार्य किए गए थे उनका उल्लेख बच्चों मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। और प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग किस में करते थे? तो पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियों को मापने में वो करते थे, कि क्योंकि उनकी तरह खगोलविद जो थे वो इसी के आधार पर जो है वो पृथ्वी से तारों और ग्रहों के बीच की दूरी कितनी है इसकी माप जो है वो त्रिकोणमिति पर ही करते थे। और आजकल बच्चों इंजीनियर और जो भौतिक विज्ञानी हैं वो जो है अन्य उन्नत जो प्रौद्योगिकी की विधियाँ जो हैं वो उन्होंने बना ली हैं और उसके आधार पर त्रिकोणमिति ये जो ये उन्नति विधियाँ बनाई हैं वो त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर ही आधारित हैं। तो इस अध्याय में बच्चों हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा केवल न्यून कोण तक ही सीमित रखेंगे, जो ये चैप्टर है इसमें हम चर्चा जो है न्यून कोण तक ही सीमित रखेंगे।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जहाँ ये जितनी भी हम लोगों ने स्थितियों की चर्चा की उसमें हर जगह ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज बन करके आ रहा है। एक कोण क्या होगा? समकोण होगा। 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर न्यून कोण की चर्चा करेंगे हम, तो ये वाला कोण हमारा क्या है? न्यून कोण है। ये कोण भी हमारा न्यून कोण ही होगा। तो जो 90 अंश का कोण है उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाती है। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी बच्चों? कर्ण कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए दो भुजाएं बची हुई हैं ना, एक लंब होगी एक आधार होगी। तो कब लंब होगी कौन सी भुजा और कब कौन सी भुजा आधार होगी? तो अगर मान लीजिए हमने ये वाला कोण लिया, इस कोण के एंगल ए के सापेक्ष अगर हम चर्चा कर रहे हैं, एंगल ए को लेकर के चल रहे हैं, तो जो ये एंगल है इसके सामने की भुजा, ठीक है, कोण ए के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? ये कोण ए के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। साथ ही अब जो ये सामने और उससे कोण ए से जुड़ी हुई जो कोण ए बन रहा है उससे जो संलग्न भुजा है ना, ये क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। समझ में आया? कौन सी भुजा लंब कहलाएगी, कौन सी भुजा आधार कहलाएगी? जो कोण के सामने वाली भुजा है, सम्मुख भुजा, लंब कहलाएगी हमेशा, और उससे संलग्न वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। तो ये इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर एक चित्र और है। एक चित्र क्या है? यही चित्र है, लेकिन इसमें कोण जो है वो बदल दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ कोण ए की जगह पर हमने क्या ले लिया है? कोण सी। कोण सी ले लिया है तो इसकी सी की संलग्न भुजा ये वाली कहलाएगी और उसकी सामने वाली भुजा ये कहलाएगी। अगर ऐसी स्थिति आती है तब ये सम्मुख भुजा जो है तब ये वाला लंब कहलाएगा और ये वाला आधार कहलाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? लंब और आधार जो है वो निश्चित नहीं है, वो कोण के ऊपर निर्भर है। अगर हम कोण ये वाला लेके चलेंगे तो ये सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, सम्मुख भुजा हमेशा लंब कहलाएगी और संलग्न भुजा क्या कहलाएगी बच्चों? आधार कहलाएगी। तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो उनको हम परिभाषित करते हैं। चलिए बच्चों, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पर आपको समझ में ही आ गया होगा, क्योंकि थीटा है, हमने कोण को यहाँ पर थीटा मान लिया है, तो थीटा जो है उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, इससे संलग्न भुजा आधार कहलाएगी, और जो 90 अंश का कोण है, ठीक है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। कर्ण की भुजा हमेशा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब यहाँ पर हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला अनुपात है हमारा साइन, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? साइन कहा जाता है, ठीक, यस, आई एन ई होता है, और यहाँ पर हम इसको शॉर्ट रूप में क्या लिखते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये एक हमारा फार्मूला आ गया, या एक त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमेशा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक। और ये छोटे छोटे से है, इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ये त्रिकोणमिति जो है आप अपना ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप आगे तक के भी पढ़ेंगे बच्चों ना, तो इसके लिए आपको ये याद होना जरूरी है और यही मेन इसका बेस है, इनको समझना भी जरूरी है। कॉस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और उसके बाद नेक्स्ट जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? साइन कॉस टेन, ये तीन हमारे पास में आ गए। इसके बाद फिर अब जो साइन है, कॉस है, टेन, इसके अलावा भी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो इस नेक्स्ट जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा कॉसेक, कॉसेक थीटा उसको बोलेंगे। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है, अपोजिट होता है साइन का, यानी वन अपॉन साइन थीटा होगा। ठीक, तो यानी क्या हो जाएगा? ये कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है? कॉसेक थीटा के बराबर होता है, इसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? सेक थीटा जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, यानी वन अपॉन कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो ये सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है, यानी कर्ण बटे आधार, यानी वन अपॉन कॉस थीटा होगा, यानी इसको पलट जाएगा, ये आधार बटे कर्ण था तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार।
ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो गया, अब बचा हमारे पास में एक और, टेन का भी ऑपोजिट कुछ चाहिए है, तो वो होता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये इसका अपोजिट होगा, यानी लंब बटे आधार था, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों? तो ये हमारे पास जो है छह त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त हुए। अब छह त्रिकोणमिति अनुपात हुए तो बच्चों इसमें इनमें भी आपस में कुछ संबंध है। जैसे कि यहाँ पर हमने चर्चा की कि जो कॉस थीटा बराबर होता है, यहाँ पे तीन और फार्मूले हमारे पास में आएंगे, तो ये समझ लीजिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, वन अपॉन साइन थीटा का, ठीक है। अब इसके बाद सेक थीटा किसका किसका अपोजिट होता है, वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से कॉट थीटा का किसका होता है, वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों है? तो ये हमारे पास में फार्मूले हो गए हैं, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है, ये तीन ये हो गए, और साथ में क्या किसको क्या कहा जाएगा, तो ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, ठीक है, ये पाँच नंबर, और ये छः। छः जो है ये हमारे पास में पता चल गया कि किसको क्या लिखा जाता है और किसके क्या बराबर होता है। यहाँ बात बच्चों एक चीज़ और देखिए कि अगर हम टेन थीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार दिया हुआ है, ठीक, लंब बटे आधार दिया। अगर हम ऊपर नीचे इसमें जो है वो कर्ण से क्या कर दें, भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। हमने क्या किया, कर्ण का दोनों तरफ जो है वो भाग कर दिया है, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। अब लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण क्या है, लंब बटे कर्ण किस क्या बोलते हैं, तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है, यहाँ पर देखिए आगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या चीज़ है, लंब बटे कर्ण है हमारा साइन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक। आधार बटे कर्ण क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों, कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया एक और फार्मूला, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी का अपोजिट भी होगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो ये हमारे पास में एक और ये फार्मूला भी प्राप्त हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा किस तरीके से ये निकला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। बच्चों प्रश्नावली स्टार्ट, प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने से पहले जो है वो आप ये सब चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, आपको ये फार्मूले याद हो जाने चाहिए, तभी वो प्रश्नावली हम लगाएंगे, तो आपको बहुत ही जल्दी उसके मान या उस प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों बस इतना ही, आज की वीडियो क्लास में इतना ही पर्याप्त है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए जाके, और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।